सो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रू फॉल्स से। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे, सैटर्न इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सैटर्न लार्जेस्ट प्लैनेट होती है सोलर सिस्टम की, ये है फॉल्स। लार्जेस्ट प्लैनेट होते हैं जुपिटर। द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, दिस इज ट्रू। मून रिफ्लेक्ट करता है लाइट फ्रॉम द सन। द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, ये भी ट्रू है, स्पेस से अर्थ ब्लू नज़र आता है। प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन द सैटेलाइट्स, फॉल्स। प्लैनेट्स छोटे होते हैं सैटेलाइट से, ये फॉल्स है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज रेडिएटिंग हीट एंड लाइट आर कॉल्ड, अब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, मून्स। जो सेलेस्टियल बॉडीज जो रेडिएट करते हैं हीट एंड लाइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस थे प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट्स, मून्स। तो आंसर है स्टार्स। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमें लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। तो अभी हमने वो आंसर को जाना था, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, वीनस। तो आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट, नेम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो हम उस प्लैनेट का हमें नाम बताना है जो कि क्लोजेस्ट है अर्थ के। तो ऑप्शंस क्या क्या है? मार्स, मरकरी, वीनस, मून। तो आंसर है वीनस। तो जो प्लैनेट जो सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, वो है वीनस। नेक्स्ट, विच प्लैनेट ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट इन इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कौन सा प्लैनेट सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है अराउंड द सन? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? अर्थ, नेपच्यून, मरकरी, जुपिटर। तो आंसर है नेपच्यून। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो कौन से प्लैनेट की लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती है? तो ऑप्शंस हैं जुपिटर, सैटर्न, वीनस, यूरेनस। तो आंसर है सैटर्न। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड फॉर दिस रिविजन वीडियो of chapter 1 geography. I would request each one of you to please go through this revision video and read the chapter properly as well as learn the answers properly. Thank you, and also all the best for your UT. Thank you.